भी आपके साथ कॉपरेट कर रहे हैं। आपकी फीमेल जो है ना, इन्होंने हमसे ये कहा कि 10 मिनट दें, हम 10 मिनट में सपोर्ट करेंगे, ठीक है ना। अब 10 मिनट का 20 मिनट हो गया है, फिर आपके बाद आपके दूसरे ऑफिसर आकर हमसे फिर डिबेट कर रहे हैं कि हम आपको प्रेस क्लब नहीं जाने देंगे, आप पार्क में जाएं। देखें, इस तरह नहीं कर, हमारी बहन है, मैं आपकी बहन हूँ, आपके साथ बच्चे हैं, फैमिली से नहीं रोके, प्लीज नहीं रोके, अब सवाल ही नहीं पैदा होता, बस हम जा रहे हैं तो प्लीज हमारा रास्ता खोल दो, हम आपका रास्ता नहीं रोके, हम आपसे सिर्फ गुजारिश कर रहे हैं। मैं आपसे गुजारिश की और मैं आपको ये बोल रही हूँ कि लॉन्ग मार्च जो है ना जा रहा है इस्लामाबाद प्रेस क्लब, इस्लामाबाद प्रेस क्लब से एक इंच भी हम लोग इधर उधर नहीं जाएंगे। मैडम आपके बच्चों की सिक्योरिटी का, आप H9 आ जाए, मैं क्या, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आपको समझ आ रही है, बात कर रहे हैं, आप बात नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ और सिर्फ बात को घुमा रहे हैं, आपको नहीं, आपको ये लग रहा है कि ये सारे लोग जो है ना बात घुमाने के लिए, मैं आपको भी सीधी सी बात कह रही हूँ कि ये एहतजाज है, ठीक है ना, ये तहरीक है और ये तहरीक विफाक में आई है, इंसान अपने पुलिस अफसरान को सबको तैनात किया हुआ है, इनका इरादा ही है कि हम पर तशद्दुद करेंगे, हमें जेलों में डालेंगे और हमारी इस तहरीक को नाकाम करेंगे, हम उन्हें ये मौका नहीं देंगे। मैं इस्लामाबाद प्रेस क्लब में जितने हमारे साफी हजरात है और जो लोग हमारे इस्तकबाल के लिए बैठे थे, मैं उन सबको अनाउंसमेंट के जरिए मैं उन सबको यही बताना चाहती हूँ कि वो आए इस रोड में अपने आप को पहुंचाए, अब धरना यहीं पे होगा। अगर हमें रोड बंद करना है, हम पुरअमन तौर पर प्रेस क्लब जाना चाहते थे, हम वहाँ पे अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराना चाहते थे, लेकिन इससे साबित होता है कि इस्लामाबाद के में भी कोई इख्तियारदार अदारा नहीं है, इस्लामाबाद में भी नामालूम अफराद की हुकूमत है और हम उस हुकूमत के खिलाफ है, हम मुखातिब होते हैं नामालूम अफराद से कि हम अपनी नस्ल खुशी के खिलाफ निकले हैं और अब हम नहीं रुकेंगे, हम लाशें और नहीं उठाएंगे। मैं इस्लामाबाद प्रेस क्लब में मौजूद जितने भी हमारे शुरका जो हमारा इंतजार कर रहे हैं, उन सब से यही कहती हूँ कि वो आए और इस धरनागाह में शामिल हो जाए। अगर ये बेड़ियों के शक्ल में जो है ना इतनी तादाद में आ सकते हैं, तो इस्लामाबाद में जितने भी पुरअमन इंसानियत दोस्त लोग हैं वो भी आ सकते हैं, इन माओ और इन बच्चों के लिए आ सकते हैं, इन बूढ़े लोगों के लिए आ सकते हैं जो तुर्बत से आए हैं आप लोगों को सुनने के लिए। हम इंसानियत पर यकीन करना चाहते हैं, यकीन करें, हम इंसानियत पर यकीन करना चाहते हैं। आज वक्त आ गया है कि पंजाब ये साबित करे कि वो इंसानियत दोस्त एक कौम है, वो बलोचों की नस्ल खुशी के खिलाफ है, वो इन माओ के साथ है क्योंकि उनके खुद के भी बच्चे हैं। और मैं इस मार्च की शुरुआत से यही कहूंगी कि हमें पुरअजम रहना है, ये हमें तोड़ नहीं सकते, ये बौखलाहट के शिकार, ये फौजी जिनको पता नहीं है क्या हो रहा है, जो हंस रहे हैं मुस्कुरा रहे हैं, ये पेड़ी है, ये इंसान नहीं है, इन्होंने वर्दी पहनकर हैवानियत इख्तियार कर ली है। हम देखते हैं, हम 25 दिनों से सड़कों में, 25 दिनों से सर्दी में, मैं देखती हूँ आप लोग कितने दिन यहाँ खड़े रह सकते हैं, अब मुकाबला होगा, हौसलों का मुकाबला होगा, हम देखते हैं आप कितने दिन यहाँ खड़े रह सकते हैं, हम यहाँ पे एक महीना भी बैठने के लिए तैयार है। आप सब लोग को हिम्मत नहीं हार नहीं है और इस धरने को कामयाब करना है, ये एक एहतजाज नहीं है, ये तहरीक है, ये तहरीक बलूचिस्तान के जिस जिस कोने से गुजरी है वहाँ हजारों लोगों ने इस पर शमूलियत की है। हमारे एक काल पर इस्लामाबाद भर सकता है बलोचों से और पश्तूनों से। आप सब लोग बैठे और जो लापता अफराद के लवाकीन है वो आकर एक एक करके, क्योंकि ये हमारे साथी Oh, no.